नौकरी के लिए पति से अपने शैक्षिक कागज दिलवाने की मांग। पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला। बीएड पास पत्नी के कागज पति के कब्जे में। कोर्ट में हुआ था समझौता। मारपीट कर फिर से निकाला। आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश जिला बरेली के दहेज पीड़िता का मुकदमा कोर्ट में चलते हुए। समझौते के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने कुछ ही दिन में फिर से मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाल दिया है, जिसके बाद बीटेक पास की विवाहिता ने अपने पति से अपने शैक्षिक कागज प्रमाण पत्र दिलवाने की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की है। मामला है थाना सुभाष नगर के करगैना स्थित प्रगति नगर का, जहाँ की रहने वाली बबली यादव पत्नी अंशु यादव ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसका पति अंशु यादव पुत्र नारायण सिंह निवासी प्रगति नगर से न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें पति अंशु यादव के साथ 23 जनवरी को न्यायालय के बुलाने पर समझौते के लिए गई थी। 18 जनवरी को न्यायालय में समझौता कराया गया था। न्यायालय के मौखिक आदेश पर 23 फरवरी से 27 फरवरी तक अच्छी तरह रही, परंतु आरोप है कि उसके साथ एक पति को यह गवारा नहीं रहा। 28 फरवरी को बबली यादव का मोबाइल छीनकर पुलिस बुला ली, जिस पर पुलिस चौकी करगना ले आई। वहाँ एक थाने आने के कहा, लेकिन बाद पति अंशु पीड़ित बबली को चौकी के निकट छोड़कर ही फरार हो गया। मैं घर पर पहुंची तो घर ताले लगे हुए थे। उस वक्त संबंध में महिला थाने में प्रार्थना पत्र दिया एवं 112 पर कॉल भी की। पीड़िता ने बताया कि वह 4 मार्च को अपने ससुराल पहुंची तो पति अंशु एवं सास सुशीला प्रार्थनी के ताला तोड़ रहे थे। उक्त लोगों ने पीड़िता के पिता के साथ भी मारपीट की एवं घर से निकाल दिया। दोबारा 112 पर फ़ोन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनको समझाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं माने तो पुलिस ने थाना लाकर प्रार्थना और प्रार्थी के पिता का 107 116 में चालान कर दिया। पुलिस ने बताया कि कागजात दिलवाने के लिए पुलिस को बुलाया है, परंतु घर पर ताले लगे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि यह बीएड पास की है एवं नौकरी के लिए विज्ञापन निकली हुई है, जिसमें आवेदन करना चाहती है। बबली यादव, पति का नाम अंशु यादव, प्रगति नगर करगैना की निवासी हूँ मैं, वहाँ की बहू हूँ। सर मुझे दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं सर, और मुझे घर से निकाल दिया मारपीट करके। उसके बाद मेरा कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे। उसके बाद अभी जनवरी में 18/1 को समझौता करके कोर्ट से मुझे घर ले आए। उसके बाद एक महीने तक मैं रहती रही, रोज के रोज मुझे मारपीट, हर तरीके से प्रताड़ना कर रहे थे। कह रहे केस वापस ले, तब केस वापस ले, तुरंत केस वापस ले। मैंने कहा 2-4 महीने रुक जाओ, जब तुम मुझे अच्छे से रखोगे तो मैं अपने आप केस वापस ले लूँगी। और उन्होंने 28 तारीख को मेरे साथ फिर से मारपीट की, मेरा मोबाइल छीन लिया और फिर वो थाने चले गए, और मेरे सारे कागजात सारे उन्हीं के पास हैं। सास सुशीला यादव, पति अंशु यादव, जेठानी शीतल यादव, और जेठ विकास यादव, ससुर नारायण सिंह यादव। गुड़गांव में सॉफ्टवेयर मेरे साथ मारपीट करते हैं सर। 2018 में 29 अप्रैल को। आज आप कप्तान साहब से मिली थी? आज मैं कप्तान साहब से मिली थी। सर मैं अपने डॉक्यूमेंट वापस चाह रही हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट दिलवाए जाएं सर। मेरी उसमें पूरे भविष्य की सारी सब कुछ उसी में ही है सर। मेरे डॉक्यूमेंट दिलवाए जाएं सर। सर रहना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग रखने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से समझौता करके ले जाते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर ताला लगा देते हैं सर। सर 3-4 बार उसका मामला हो चुका है। पुलिस ने अभी कोई मदद नहीं की मेरी। मैं 28 तारीख से मैं लगातार रोज भाग रही हूँ, परंतु कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है।